सेयंस, जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्लोथ्स की फिटिंग कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है फैशनेबल दिखने के लिए, इसलिए आज की इस बहुत ही ज्यादा जबरदस्त वीडियो में हम बिना टेलर के जाए, बिना कोई भी पैसा खर्च करे, इंस्टेंटली 2 सेकंड में हमारा कोई भी कपड़ा कैसे वेल फिटेड बनाए, उसके आज बहुत ही नेक्स्ट लेवल हैक्स की बात करेंगे। और वीडियो के बिल्कुल एंड की बोनस टिप में आपके हर एक कपड़े की हमेशा क्या स्टैंडर्ड फिटिंग रहनी चाहिए, ताकि आप अगली बार अपने लिए बेस्ट फिटिंग के ही क्लोथ्स खरीदें। इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो पूरी वीडियो जरूर से एंड तक देखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। टिप 1, बेस्ट पैंट कफिंग हैक। आपकी पैंट्स आपके एंकल एरिया से बिल्कुल भी ब्रॉड नहीं होनी चाहिए। ये बात हम कई हजार बार कर चुके हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इससे पूरी जीन्स और पैंट का लुक बिगड़ जाता है। ऊपर से ऐसी पैंट्स आपके पूरे शूज को भी हाइड कर देती हैं। तो इसके लिए मेरे पास एक जबरदस्त हैक ये है, जो कि हमारे द मैन हिमसेल्फ एलेक्स कोस्टा ने बताया कि सबसे पहले आपको अपनी पैंट या जीन्स के एक्स्ट्रा फैब्रिक को पीछे की तरफ फोल्ड करना है, उसे रबर बैंड की मदद से अपनी जगह लॉक कर देना है और फिर क्लीनली पैंट्स को रोल कर लेना है। इससे आपकी जीन्स या पैंट शानदार लगेगी। नेक्स्ट है टी शर्ट स्लीव फिटिंग हैक। अब वैसे तो ओवरसाइज्ड कपड़ों का ट्रेंड काफी चल रहा है आजकल, लेकिन परफेक्ट फिटिंग की टी शर्ट या शर्ट कभी ट्रेंड से नहीं जाएंगे, ये बात का आप ध्यान रखना। तो इसके लिए अगर आपकी टी शर्ट की स्लीव्स कुछ ज्यादा ही लंबी हैं, तो आप उनको बेशक 1 या 2 बार फोल्ड करके उनको यूज में लेना, लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ ये होता है कि वो बहुत अनटाइडी से फोल्ड कर लेते हैं उन स्लीव्स को। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप टी शर्ट की स्लीव्स को 1 बार रोल करके उसके ऊपर 1 बार आयरन चलाना, ताकि वो अपनी जगह लॉक हो जाए, और फर्दर अगर वो और ढीली हो तो 1 और बार आयरन चला सकते हैं आप। इससे आपकी टी शर्ट बहुत ही शानदार लगेगी। नेक्स्ट है परफेक्ट वेस्ट फिटिंग हैक। अब यार, जीन्स का कमर से ढीला या टाइट होना बहुत ही कॉमन इशू है, तो अगर आपकी जीन्स वेस्ट से कुछ ज्यादा ही ढीली हो गई है, तो आप अपनी जीन्स का जो वेस्ट बटन है उसको अपने जस्ट पीछे वाले बेल्ट के लूप में डाल दें और बटन को अच्छे से बटन अप करके जिप लगा लें। इससे एक्चुअली थोड़ा बहुत अलाइनमेंट बिगड़ता है आपके जिपर का, लेकिन अगर आप टी शर्ट या शर्ट को अनटक करके पहनेंगे तो ये बहुत ही फाइनली काम करता है। सिमिलरली अगर आपकी जीन्स वेस्ट से कुछ ज्यादा ही टाइट हो गई है, तो आप अपने बटन के होल में रबर बैंड घुसा के रबर बैंड में एक अच्छी सी नॉट लगा के उसको स्ट्रेच करके सामने वाले बटन में लगा देना और इसको कवर अप करने के लिए एक बेल्ट पहन लेना, और अगेन आपको पता है टी शर्ट अनटक करके पहन लेना। इससे ये बहुत ही स्मूथली काम करेगा फॉर श्योर। नेक्स्ट है शर्ट और टी शर्ट लेंथ हैक। अगर आपकी शर्ट या टी शर्ट लेंथ में काफी ज्यादा लंबी है और वो आपके जिपर से भी नीचे जा रही है, तो इस केस में ये कोई हैक नहीं है, बस एक सिंपल टिप है कि आप टी शर्ट या शर्ट को टक इन करके पहन सकते हैं। अब मेन हैक ये आता है कि फॉर्मल ड्रेसिंग के सिनेरियो में, जहाँ पे आपको शर्ट को 24 घंटे टक इन करके घूमना पड़ता है पैंट के, और वहाँ पे बात बात पे मफिन टॉप बन जाती है शर्ट की, यहाँ पे आप सिंपली ये कर सकते हो कि आप अपनी शर्ट और अंडरवेयर को सेफ्टी पिन की मदद से केयरफुली अटैच कर सकते हैं। ये एक बहुत ही श्योर शॉट मेथड है, जिससे आपकी शर्ट बहुत अच्छे से टक्ड इन रहेगी और बाहर नहीं आएगी। नेक्स्ट है लूज शर्ट एंड शर्ट स्लीव हैक। आपकी शर्ट अगर काफी लूज है, तो आप अंदर टी शर्ट पहन के उसको अपने साइज के बराबर तक ला सकते हो थोड़ा बहुत, या फिर आप मिलिट्री टक मेथड यूज करके, जिसमें आपको अपनी शर्ट के साइड्स को पीछे की तरफ फोल्ड करना होता है, उससे आप शर्ट में बेशक फर्क ला सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी शर्ट की स्लीव्स कुछ ज्यादा ही लंबी हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि घर पे कोई भी एक नाड़े की मदद से आप अपनी शर्ट की स्लीव्स पे उसको अप्लाई करके एक्स्ट्रा फैब्रिक की मदद से उसको छुपा देना, और शर्ट को अपने कंफर्ट के हिसाब से बहुत ही अच्छे से एडजस्ट करके, और इसी के साथ स्लीव्स को रोल अप करके क्लीनली आप इसको बहुत क्लीनली अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्लैपी कॉलर हैक। आपकी शर्ट या पोलो टी शर्ट के कॉलर्स अपनी जगह पे फिक्स्ड नहीं रहते, जो कि आपका पूरे शर्ट का लुक बिगाड़ देते हैं, तो आप डबल साइडेड टेप का यूज करके उसको अपनी जगह पे फिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वर्स्ट कंडीशन में और आपके पास डबल साइडेड टेप भी नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं कि आपने अपनी शर्ट के जितने भी बटन अनबटन कर रखे हैं, उन सबको आप बटन अप कर लेना। इससे थोड़ा बहुत तो फर्क आता है यार फ्लैपी कॉलर्स को सही करने में। फाइनली वीडियो की बोनस टिप में आपकी बॉडी के हिसाब से क्लोथ्स कैसे फिट होने चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। टी शर्ट की बात करें, तो आपकी टी शर्ट की जो स्लीव्स होती हैं, वो आपके ट्राइसेप्स से ऊपर रहनी चाहिए। टी शर्ट चेस्ट के एरिया में बिल्कुल वेल फिटेड रहनी चाहिए और चेस्ट के नीचे लूज रहनी चाहिए, और उसकी लेंथ आपके जिपर के मिडिल तक आनी चाहिए। सिमिलरली शर्ट के लिए भी सिमिलर रूल्स ही रहेंगे, जैसे कि शर्ट की लेंथ आपके जिपर के मिडिल तक आनी चाहिए और ये आपके चेस्ट से फिटेड और चेस्ट के नीचे लूज रहनी चाहिए। इसके अलावा आपके जो शर्ट की स्लीव्स हैं, वो आपके रिस्ट तक ही एंड होनी चाहिए। ज्यादा लंबी स्लीव्स बिल्कुल भी सूट नहीं करेंगे आप पे। अब पैंट फिटिंग की बात करें, तो आपकी जो पैंट या जीन्स होनी चाहिए, उसको पहनते वक्त आप वेस्ट एरिया में अपना एक अंगूठा डाल के देखना,
अगर अंगूठा बिल्कुल भी नहीं जा रहा है तो वो आपकी वेस्ट से बिल्कुल टाइट है, और अंगूठे के अलावा भी स्पेस बच रही है तो मतलब वो लूज है। इसके अलावा थाई एरिया के फिट के लिए आप एक बार बैठ के देखना और उठ के देखना, अगर कंफर्टेबल हो तो मतलब वो जीन्स आपके लिए सही है। सिमिलरली एंकल एरिया की बात करें तो आपकी जीन्स बहुत ज्यादा ऊंची भी नहीं होनी चाहिए और उसके बॉटम एरिया में एक्स्ट्रा फैब्रिक एक्यूमुलेटेड भी नहीं होना चाहिए। आपके एंकल की जो साइड वाली बोन है उसके आसपास परफेक्ट रहती है। मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत सही लगी होगी। आप मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना यार।